बहुत काम आने वाले कमाल के सीक्रेट कुकिंग किचन टिप्स नंबर वन। अगर आपकी रोटियां पराठे ज़्यादा टाइट या क्रिस्पी बनते हैं तो छेना फाड़ने के बाद बचे पानी का इस्तेमाल आटा लगाने के लिए करें। इससे रोटी या पराठे अधिक स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनेंगे। या फिर आप उसमें आधा छोटी चम्मच देसी घी डाल करके आटा गूंथें, हमेशा ही आपकी रोटियाँ परफेक्ट एकदम सॉफ्ट मुलायम बनेंगी। नंबर टू, अगर पकौड़े बना रहे हैं तो पकौड़े के घोल में बेसन के साथ साथ थोड़ा सा चावल का आटा भी मिला दें। इससे पकौड़े ज़्यादा कुरकुरे और स्वादिष्ट बनेंगे। नंबर थ्री, अक्सर हम घर में बची बासी ब्रेड को फेंक देते हैं, पर इसका इस्तेमाल आगे भी किया जा सकता है। घर में बची पुरानी ब्रेड को आप एक एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कटलेट या कबाब बनाने में कर सकते हैं। कटलेट स्वादिष्ट बनेगा और टूटेगा नहीं, और आप इस पाउडर को फ्रिज में स्टोर करके रखें। नंबर फोर, अगर कुछ भी मीठा बना रहे हैं तो बनाते समय उसमें चुटकी भर नमक डाल दें, इससे व्यंजन का मीठापन निखर जाएगा। टिप्स नंबर फाइव, अगर ढाबे जैसे खिले खिले और सफ़ेद चावल बनाने हैं तो चावल को पकाते समय उसमें एक चम्मच घी और कुछ बूंद नींबू का रस डाल दें, इससे चावल दूध की तरह सफ़ेद और खिले हुए बनेंगे। नंबर सिक्स, किसी भी सब्जी की ग्रेवी तैयार करते समय जब प्याज भून रहे हों तो उसमें चुटकी भर चीनी भी डाल दें, इससे ग्रेवी का रंग निखर जाएगा और स्वाद भी बढ़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा टिप्स रहता है, प्याज भूनते समय अगर आप चुटकी भर उसमें चीनी डाल देंगे तो और कलर बहुत अच्छा आएगा सब्जी का। नंबर सेवन, अगर पूरियां उतारने की तैयारी कर रहे हैं तो पूरियों को बेलने के बाद कुछ देर तक फ्रिज में रख दें, इससे तलते समय पूरियों में ज़्यादा तेल नहीं भरेगा। नंबर एट, सूजी का हलवा बनाने जा रहे हैं, सूजी सेकते वक्त उसमें ज़रा सा बेसन भी मिला दें, इससे हलवा अधिक स्वादिष्ट बनेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी आपका हलवा बनेगा। आप इसको फॉलो करके बना सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करें। टिप्स नंबर नाइन, ग्रेवी में तेल या घी ज़्यादा हो जाए तो ग्रेवी को फ्रिज में रख दें। जब अतिरिक्त तेल या घी ऊपर आ जाए तो इसे चम्मच से निकाल दें और परोसने से पहले पुनः गर्म कर लें। अगर गलती से ज़्यादा तेल हो गया है और तेल आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इस टिप्स को फॉलो करके तेल को कम कर सकते हैं। नंबर टेन, भिंडी का स्वाद बढ़ाने के लिए सब्जी पकाते समय उसमें नींबू का रस डाल दें, इससे भिंडी चिपचिपी नहीं बनेगी। नंबर 11, आमलेट बना रहे हैं, जब अंडा फेंट रहे हों उसमें दो चम्मच दूध मिला दें, इससे आमलेट अधिक मुलायम बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को फुल देखें, ध्यान से सुने तभी समझ में आती है क्या आपको टिप्स हम बता रहे हैं। बहुत ही यूजफुल काम आने वाले किचन कुकिंग टिप्स हैं। 12, मलाई से अधिक मात्रा में घी निकालना चाहते हैं तो मलाई को बर्फ़ डालकर मिक्सर में चलाएं, इससे सारा घी ऊपर आ जाएगा और छाछ नीचे रह जाएगी। इस छाछ का इस्तेमाल कढ़ी और इडली का घोल बनाने में किया जा सकता है। नंबर 13 देख लेते हैं, अगर बिना अंडे का केक बनाना चाहते हैं तो उसके बैटर में पका केला और दही डाल दें, इससे केक फ्लफी बनेगा। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं और अंडा डालना मतलब आपको केक एकदम से परफेक्ट चाहिए तो आप टिप्स को फॉलो करके केला और दही डाल के उसमें एकदम से परफेक्ट आपका केक बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं टिप्स नंबर 14, लौकी के कोफ्ते बनाने जा रहे हैं तो लौकी कद्दूकस करने के बाद निकले पानी से पराठे का आटा लगाएं, पराठे मुलायम और स्वादिष्ट बनेंगे और वेस्ट भी नहीं जाएगा, एकदम हेल्दी से पराठे आपके परफेक्ट बनेंगे। नंबर 15, प्याज को काटने से पहले उसे ठंडे पानी में डुबोकर रखें, इससे प्याज काटते वक्त आँखों में आंसू नहीं आएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा प्याज काट रहे हैं किसी ज़्यादा सब्जी के लिए तो आप इस टिप्स को फॉलो करें, बिल्कुल भी आंसू नहीं आते, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है प्याज काटते समय, गर्मियों में तो खासकर। नंबर 16, सबसे बड़ी समस्या प्याज काटते समय आंसू आना, बस जरूर पड़ने पर आधे घंटे के लिए प्याज को फ्रिज में रख दें और आप बिना आंसू बहाए इनके स्लाइस कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी टिप्स फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही बहुत ही यूजफुल टिप्स हैं। नंबर 17, आपने करी में बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया, हम में से सबके साथ ऐसा होता है। आप इनमें से किसी भी चीज़ को जैसे कि आलू ब्रेड या गेहूं के आटे की बॉल बनाकर करी में डाल सकते हैं। उन्हें आधे घंटे से एक घंटे के लिए करी में डाल दें और फिर करी परोसते से पहले उन्हें निकाल लें। तो गलती से अगर सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया है तो या तो आप आलू काट करके छील करके डाल दें या फिर आटा गूँथा हुआ उसमें डॉल बना करके डाल दें तो नमक कम हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं
टिप्स नंबर 17, नींबू का रस निकालने से पहले उन्हें थोड़ी देर गर्म करके फ्रिज में रख दीजिए। आप चाहें तो उन्हें गर्म पानी वाले बाउल में डाल सकती हैं या उन्हें कुछ देर के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं। कभी क्या होता है, नींबू रखे हुए हार्ड हो जाते हैं, उनमें से रस नहीं निकलता है, तो आप इस टिप्स को फॉलो करें। नंबर 18, जब भी हम गोभी बना रहे हों तो उसकी गंध से बचने के लिए उसमें ब्रेड का एक स्लाइस डालें। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 19, करी के लिए मसाला भूनते समय तीव्र रंग के लिए उसमें चुटकी भर चीनी डाल दें। तो चीनी डालने से आपकी सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है, थोड़ी सी ही डालनी है और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 20, अगर दूध उबल जाए तो उसे साफ करना बहुत ही दर्द का काम होता है। इससे बचने के लिए आप जब दूध उबालें तो उबालने वाले बर्तन पर एक लकड़ी की चम्मच रख दें, तो जिससे कि दूध उबलकर बाहर नहीं निकलेगा। तो आप इस टिप्स को फॉलो ज़रूर से करें, वरना अगर दूध निकल जाता है तो सारा गैस चूल्हा बहुत ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है। तो उससे ना निकले, काम बढ़ाने से पहले ही आप इस टिप्स को फॉलो करें, दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। टिप्स नंबर 21, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हर किसी को करेला टेस्टी नहीं लगता। करेले की कड़वाहट कम करने के लिए कटे हुए करेले को नमक वाले पानी में 20 मिनट के लिए डाल दें, पानी निकाल कर पकाएं। 22, सब्जी को ताज़ा रखने के लिए फ्रिज के वेजिटेबल स्टोरेज वाले सेक्शन में कागज़ के तौलिए या पतले मुलायम सूती कपड़ा बिछाएं और फिर सब्जी और फ्रूट रखें। नंबर 23, गर्मी में पुदीना का शरबत बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, आप इसे कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में पुदीने का रायता, जलजीरा और पुदीना वाटर बनाकर भी पी सकते हैं। नंबर 24, अलसी के बीज शरीर को हाइड्रेट को बनाए रखने में मदद करते हैं, जो गर्मियों के महीने में फ़ायदेमंद है, इसलिए हम गर्मियों में भी अलसी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाएं और पीरियड टाइम में अलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई भी चीज़ खाने से पहले, यूज करने से पहले उसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, तभी उसका यूज करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, मतलब नुकसान भी कर जाती है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए।